अस्सलाम वालेकुम एंड की हाल चाल है शहजादे, उम्मीद है फिट फाट होगे, खैर खैरियत से होगे। आज की वीडियो थोड़ी लेट आ रही है तो बाबा जी देख लेना और शेयर वगैरह भी कर देना, और बाकी जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब मार के डिरी गैंग को ज्वाइन कर लो यार। 2K की फैमिली अपनी कंप्लीट होने वाली है, और जो जो बंदा चैनल पे नया सब्सक्राइब तो करेगा करेगा, और वीडियो को लाइक भी लाजमी से कर देना, ठीक है। और आज की वीडियो में भाई बड़े मज़े के हैवी क्लचेज है, फुल अपग्रेडेड और अच्छी टीम्स के ऊपर आपके भाई ने 1v4 की, और मैं आपको उनकी केडिया भी दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं तो यहाँ पे अब पहला क्लच मेरा भाई यहाँ पे निकलता है। मैं बड़े मजे से अपार्टमेंट से जा रहा होता हूँ, ठीक है। पूरा एक चार बंदों को डायनासोर आके मेरे ऊपर रश कर देता है। यहाँ पे मैं इनको टैप टैप दे के बुलाता हूँ, फायर देता हूँ इनको कि आओ भाई रश करो मेरे ऊपर, किधर जा रहे हो, इधर तो आओ। अब ये लोग भाई पुश करा देते हैं पूरा, और ठीक है ट्रिके वरीके लगा के आते हैं। फुल अच्छा खेलने वाला स्क्वाड होता है, 4-6 ऐसे ऐसे केडी होती है इनकी, एंड में आप लोगों को केडिया भी दिखाऊंगा इन बंदों की। अब भाई यहाँ पे फुल पैनिक सिचुएशन हो चुकी थी, एक ऊपर से आता है एक नीचे से आता है भाई, ठीक है। तगड़ा खेल रहे होते हैं, अब इन दोनों को मैं काबू करता हूँ, 1 की वेस्ट होती है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं एक को फिनिश करने का पूरा ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने किट लगा लेना, और अगले बंदे भी सियाणा खेल रहे होते हैं, देखो अन्य वहाँ रश नहीं कर रहे होते, ठीक है। अपने टीम मेट्स को कवर दे के वो बंदा नीचे लेके जाता है, तो मैं यहाँ से ट्रिक लगा के मैंने कहा सेकंड फ्लोर से जाके ईजिली डाउन कर दूंगा, पर यह थोड़ा मेरे पे भारी पड़ जाता है। अब यहाँ से क्लच थोड़ा इंटेंस होने वाला है, ठीक है। फुल मैं यहाँ पे अग्रेसिव हो जाता हूँ, इनका बंदा भी रिवाइव हो चुका था, एक नॉक करता हूँ यहाँ पे, दूसरा भी मैंने डाउन कर दिया था। अब अगेन इनका लास्ट बंदा बचा हुआ था, ठीक है। और मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से खेल रहा होता हूँ कि मैंने कहा क्लच नहीं मिस करना, अन्य वाने घुसना, और यहाँ बोट पता नहीं क्या करने आ जाता है, सारे क्लच की मत मार देता है ये बोट, ठीक है। अब यहाँ लास्ट बंदा बचा होता है, इससे मेरी 1v1 की फाइट होती है, तो मैं भी कोई रिस्क नहीं ले रहा होता, वो भी कोई रिस्क नहीं ले रहा होता। उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, मेरे ऊपर थोड़ा कम होता है, उसने अपने 3-3 बंदों को रिवाइव देना होता है, और उसके 3 बंदे इसको पैनिक भी कर रहे होंगे लाजमी से। अब यहाँ पे मैं ड्रिंक वगैरह लगा लेता हूँ, मैंने कहा 1k वेस्ट है, चांस नहीं लिया जाए। तो इसका लास्ट बंदा जैसे रिवाइव रखता था तो मैं उससे रिवाइव छिड़वा देता था, ठीक है। अब वो फ्री फायर देता है, मैं फ्री फायर में नहीं जाता। अब इसको थोड़ा डैमेज होता है तो मुझे आइडिया हो चुका था इसकी HP चली गई है, तो सीधा रश करता हूँ भाई इजीली इनके ऊपर 1v4 ओके की रिपोर्ट में कर दिया जाता है। तो मज़ा आया हो तो भाई वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना भाई, लाइक कर दिया करो, नहीं हाथ टूट दे, ठीक है। लाइक लाजमी से कर दिया करो, आजकल भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और जो जो बंदा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। अब यहाँ पे इन बंदों से मैं मर जाता हूँ, खैर रिकॉल होके आते हैं, मैं गलत फाइट लेता हूँ क्योंकि बस हमें अन्ना घुस जाता हूँ मैं। केडिया भी चेक करो भाई, 6 की KD, 4 की KD, 4.5 की KD, तगड़े प्लेयर होते हैं देख सकते हो आप लोग। बोट आपका भाई बोटों पे क्लच नहीं मारता। अभी आप भाई पूरा अपग्रेडेड स्क्वाड आ जाता है, ठीक है। उनसे मेरी 1v4 की फाइट हो जाने वाली है, ये वाला क्लच मेरा मिस हो जाता है। अब एक बंदे को मैं काबू कर लेता हूँ, ये भी अपग्रेडेड गन्स वाला बंदा होता है, लगे हाथ दूसरे बंदे को भी मैंने डैमेज किया होता है, और उस बंदे को भी मैंने काबू कर लेना है। अभी आप इन दो बंदों को नॉक कर देता हूँ, और बाकी के दो बंदे इनके पुश करा रहे होते हैं। अभी यहाँ पे मेरे ऊपर भाई थोड़ा प्रेशर था, मैंने कहा पहले इनको फिनिश करो। अब मुझे ये नहीं पता था एक ही टीम के बंदे हैं, पर एक ही टीम के होते हैं, ठीक है। अब ये बंदा मेरी सारी HP ले जाता है, तो दूसरे बंदे से भाई मैं मर जाता हूँ, ठीक है। अब ये सुनो इन बंदों की बातें, अप्रिशिएट करते हैं भाई। बहुत अच्छा मारा, कसम से दिल से बोल। तो खैर भाई अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब अप्रिशिएट करता है कोई। अब यहाँ पे दोबारा से उसी टीम से मेरी 1v4 की फाइट है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इनको डैमेज करता हूँ, और ये लोग अन्य वहाँ चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पे भाई चांस नहीं लेता, मैं सीधा टॉप पे चला जाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी MG भी रिलोड करनी होती है। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से MG रिलोड कर लेता हूँ, और ये बंदे भाई पुश कर देते हैं MG का साउंड सुन के। तो देखो यहाँ पे पहले बंदे को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और बाकी के दो बंदे, अब एक बंदा कवर दे रहे होते हैं, और एक बंदा रिवाइव उठा रहा होता है। सियाणे बहने प्लेयर होते हैं, सियाणे तरीके से खेल रहे होते हैं ये। अब इस बंदे को भी मैं ज़्यादा पीक नहीं दे रहा होता क्योंकि डाउन कर देता मुझे इजीली, तगड़ा खेल रहा होता है। तो खैर इसको लेफ्ट पीक लेके डाउन कर दिया जाता है, सॉरी राइट पीक से। अब यहाँ पे मैं वही अपना ट्रिक और IQ यूज़ करके जाता हूँ, यहाँ पे वो बंदा भी रिवाइव हो चुका था। इस बंदे को काबू करता हूँ, लगे यार दूसरे को भी काबू कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले 1v3 किया इनके ऊपर, अब 1v3 करा तो भाई की बात भाई, यहाँ मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा इतनी मुश्किल से क्लच मारो और भाई कोई नेट से किल ले जाए, नहीं मतलब क्या भाई, हम यहाँ पे गेम नहीं खेलने आए,
मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। मैंने कहा ये बंदा मेरे हाथे लगे एक दफा, इसका नाम नोट कर लो, इसके साथ मैंने बराबर का सलूक करना है। अब यहाँ पे भाई दोबारा ये बंदे रिकॉल होके आते हैं, दो बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ और तीसरे बंदे को ओके की रिपोर्ट में डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, अब इनको मैं लगे हाथ फिनिश कर देता हूँ। मैंने कहा दोबारा मेरे साथ हैंड ना हो जाए, कोई किल ना चोरी हो जाए मेरा। अब यहाँ पे तीसरे बंदे को मैं देखता हूँ किधर चला गया, छुप रहा होता है, ये रिवाइव के चक्कर में होता है, यू नो। अब इनका चौथा बंदा भी आ चुका होता है, तो मैं चौथे बंदे के ऊपर सीधा चढ़ाई कर देता हूँ, थोड़ा प्री फायर देता हूँ, एमजी रिलोड करता हूँ और सीधा चढ़ाई करके इस बंदे को डाउन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना 1v4 ओके की रिपोर्ट में हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ। अब ये वही बंदा होता है जिसने मेरा किल चुराया होता है नेट से। अब यहाँ पे ये मेरी फुल HP ले जाता है। भाई मैं बूस्ट ना किया होता तो मैं खत्म था यहाँ पे। अब यहाँ रुक के मैं किट वगैरह लगाता हूँ, स्मोक वगैरह करके पीछे निकलता हूँ। अब इस बंदे ने भी सर्कल में निकलना होता है। अब ये दो बंदे होते हैं, मुझे लगा था कि एक ही बंदा है। अब यहाँ पे मैं स्प्रे वगैरह देता हूँ थोड़ा सा। अब दोबारा इसका मेरा सामना आगे जाके इन घरों में होना है। ठीक है, ये भी जोन के एज पे होते हैं। अब ये यहाँ पे गाड़ी रोक चुके होते हैं। अभी तक मुझे यही था कि भाई एक बंदा है ये। अब जैसे ही मैं स्प्रे देता हूँ तो मुझे आइडिया हो चुका था कि मुझे दो बंदों की झलक दिखी है। अब देखना भाई कितना जालिम खेल रहा होता है ये बंदा। भाई मेरा फुल हेलमेट उड़ा देता है ये बंदा। ठीक है, M4 से डबल हेड मार के। अब यहाँ पे मैं किट वगैरह लगा लेता हूँ और इतनी देर में इन बंदों ने भाई स्मोक वगैरह करके मेरे ऊपर पुश करा देना। लंबी फाइट चल रही होती है, ये बंदा हैवी खेल रहा होता है पर इसका दूसरा टीममेट बोट होता है, यू नो। अब यहाँ पे मैं इसको डैमेज करता हूँ, हैकर और बोट इसका नाम होता है। ठीक है, अब इसके दूसरे बंदे को भी लगे हाथ काबू कर लेते हैं। अब इन दो को नॉक करने के बाद भाई इतनी देर में एक डायनासोर भी आ जाता है और ये डायनासोर वाले बंदे अभी अभी एक टीम के साथ आहो करके हटे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से थर्ड पार्टी मार देता हूँ। अब पहले बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और फिनिश कराने का फुल ट्राई करता हूँ, पर इतनी देर में भाई दूसरा बंदा भी मुझे नज़र आ जाता है। तो इनके साथ भी खैर ओके की रिपोर्ट कर दी जाती है। अब ये वाला 1v3 थोड़ा इंटेंस होने वाला है। यहाँ मैं पहला बंदा डाउन करता हूँ, ठीक है, फिनिश कराने का ट्राई करता हूँ, पर टीममेट बहुत हैवी कवर देते हैं। पहला नॉक किया, HP देखो मेरी है ही नहीं, बूस्ट किया हुआ था सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचाओ। ठीक है, अब ये DP का प्री फायर देर होता है, बड़ी मुश्किल से इस बंदे को डाउन करता हूँ। तो यहाँ पे 1v3 ओके की रिपोर्ट में हो जाता है। तो आप लोग भी भाई दो फिर इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।